it's a common place. Yeah, common landmark. I would say कि it's a perfect place for खड़ा, क्योंकि खड़ा एक गांव की लड़की और गांव का जो गवारपन होता है वो मेरे चेहरे पे दिखता है. फिर आप कहीं ना कहीं गवार तो नहीं है. और अच्छा ये बताइए कि इस रोल के लिए कितनी मेहनत करी आपने? बहुत ज़्यादा मेहनत करी मैंने, पर कैरेक्टर में घुसने के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि आई एम वेरी मच रिलेटेड टू खाना. खाना एक ऐसी लड़की जो हमेशा हंसती खेलती आती रहती है, एनर्जेटिक है, जिंदगी से फुल ऑन होती है, उसको जिंदगी से इतना प्यार है कि बस पूछो. सो इट्स लाइक मैं भी थोड़ी सी वैसी हूँ. हाँ, बाकी लोगों के साथ केमिस्ट्री बनाने में, डायलॉग्स रियर्स करने में सब में मेहनत तो लगती है, पर कैरेक्टर के कैरेक्टर मैनेज में उतनी मेहनत नहीं लगी. हाँ, थोड़ी सी लगी जिसमें मेरे डायरेक्टर, मेरे प्रोड्यूसर से मेरी बॉन्ड है. एक्चुअली मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी तभी मेरे एक सर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे कास्ट किया था उनके एक प्ले के लिए जिसमें मैं एक पागल लड़की का रोल कर रही थी जो मैं हूँ. वेल, उसके बाद से हम लोग इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन कर लिए, उसके बाद इंटर कॉलेज, और उसके बाद ये और लक्ष्मण तो उसने भी आप मीट कर रही थी? जी, कर रही थी. वो फोन एक्स नहीं तो जैसे वो खत्म हुआ, ये अचीवमेंट कितना बड़ा है, छोटी थी मेरे लिए बहुत बड़ा है. मैं कहूँगी कि सारी भगवान की कृपा है, मेरे प्रोड्यूसर्स मेरे इसके आशीर्वाद है. हाँ, अच्छा लगता है कि छोटे मतलब मराठी से लेकर हिंदी में आ रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे कि हिंदी का हिंदी टीवी सीरियल्स की जो दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत फेमस है, तो वहाँ थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई. बस नॉर्मल था. परिवार की तरफ से कैसा है? ऑब्वियसली जब आप बोलते हो कि मुझे इस लाइन में जाना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे मॉडल बनना है, मुझे पिक्चर में जैसे पागल हो गई तो टी वी देख के पगला वैसे ही ना. लेकिन जब शुरू हुआ, जब उन्हें मेरे ऊपर विश्वास होने लगा, उन्होंने देखा कि